भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रांतीय सम्मेलन में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली मशीन है, सत्ता से दूर कांग्रेस बौखला गया है और उठपटांग बयानबाजी कर रही है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के प्रश्न पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा कि इंतजार कीजिए, अयोध्या में निश्चित ही राम मंदिर का निर्माण होगा, वहां बाबर के नाम से कोई भी इमारत नहीं बनेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 29 अक्टूबर से प्रतिदिन सुनवाई होगी और उम्मीद है कि जल्द ही इसका समाधान हो जाएगा। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, तौर से अहम है भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की प्रदेश कार्य समिति अलग अलग स्थानों पर सम्पन्न हो रही है और उसमें अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चे के प्रदेश कार्य समिति का स्थान भगवान गोरक्ष पीठाधीश्वर के इस नगरी में रखा गया है और आज उस कार्यक्रम में मैं भी हिस्सा लेने के लिए आया हूं और इस विश्वास से आया हूं कि 2019 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान अनुसार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से देश में सरकार बनाने के लिए हम 2014 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। देखिए, श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण होगा, अब वहाँ पर कोई बाबर के नाम की इमारत नहीं बनेगी, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष है और 29 तारीख से प्रतिदिन सुनवाई होने वाली है और सुनवाई पूरी होने के बाद अनुकूल परिणाम की हर राम भक्त प्रतीक्षा कर रहा है और जब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जा रही है तब तक प्रतीक्षा करेंगे और भव्य मंदिर निर्माण तो जरूर होगा, वह कब होता है, कितनी देर में होता है, निर्णय कितनी देर में आता है, यह एक विषय चूंकि हम लोग नहीं तय करते, उसको न्यायालय को तय करना। उद्धव ठाकरे भी पहुंच रहे हैं और कन्हैया के समर्थन की बात कर रहे हैं, देखिए राम भक्त के नाते कोई भी दर्शन रामलला के कर सकता है, आप भी जाना चाहें दर्शन करने तो आप भी जाइए, किसी को दर्शन करने तो नहीं रोका जा सकता। सर, सीबीआई वाले प्रकरण में कांग्रेस साथियों ने बयान दिया कि कांग्रेस सत्ता से बेदखल होने के बाद फिर से सत्ता में वापसी के लिए बेचैन और उस बेचैनी का प्रदर्शन वह इस प्रकार से करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कोई सूरज के ऊपर यह प्रयास करे कि हम कोई पत्थर मार देंगे, इस प्रकार का प्रयास है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी संसार की सबसे ईमानदार सरकार चलाने वाले सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और जो गलत करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और पूरे देश का विश्वास मोदी जी पर है और पूरे देश का अविश्वास भी राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, इसलिए सीबीआई का जो विषय है उस पर कोई मुझे अधिकृत रूप से ऐसा कुछ नहीं बोलना है, लेकिन इतना भरोसा इस देश को है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो भी कार्रवाई कर रही है, जो भी कदम उठा रही है, जो भी निर्णय ले रही है वो देश के हित में ले रही है, देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के हित में ले रही है और जो झूठ की मशीन बनकर के कांग्रेस पूरे देश में घूम रही है उसका सफाया होता चला। क्या लग रहा है 2019 के पहले राम मंदिर बन जाएगा? अभी मैंने उस पर बताया ना, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 29 अक्टूबर से डे टू डे सुनवाई होने जा रही है और उस सुनवाई की प्रतीक्षा मैं समझता हूँ हर राम भक्त को।